हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने 2 लीटर फैट फ्री दूध लिया है। 1 लीटर दूध से हम छेना बनाएंगे और 1 लीटर दूध से हम रसमलाई के लिए रबड़ी बनाएंगे। फैट फ्री दूध से हमारा छेना अच्छा बनता है और अगर आप फुल फैट वाला दूध लेंगे उससे हमारा छेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये हमने दूध को दोनों साइड उबालने के लिए गैस पर रख दिया है। ये हमारे छेने के लिए दूध उबल चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे छेने के लिए दूध ठंडा हो रहा है तब तक हमने जो रबड़ी के लिए दूध रखा है उसमें हम 1 कटोरी चीनी ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और केसर डाल देंगे। केसर से हमारी रबड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। मेरे पास बादाम और पिस्ता है, हम ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अब हम थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। अभी हमारी रसमलाई के लिए दूध थिक हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारा दूध इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इसको अब हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी हमारे छेने के लिए दूध भी ठंडा हो चुका है, हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हमारी फिंगर दूध के तापमान को सहन कर सके। अभी हमें छेना बनाने के लिए हमने ये विनेगर लिया है 2 चम्मच, आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। अब इसे मिलाकर हम दूध में डाल देते हैं। अभी हम दूध में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हिलाते रहेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारा छेना अच्छे से बन जाए। अभी हमारा छेना दूध से अलग हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। अभी हमने एक खुला बर्तन लिया है, उसके ऊपर हमने जाली रख दी है और उसके ऊपर हमने सूती कपड़ा रख दिया है। अब हम अपने छेने को इसमें डालकर छान लेते हैं। अभी हमने छेने को छान लिया है, अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। इसमें से पानी हमारा अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए, तभी छेना अच्छे से बनेगा। अभी ये जो हमारा नीचे पानी बचा है, अब हम इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। इसे हम सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, दाल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आटा गूंदने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से, ताकि इसमें से विनेगर की स्मेल और इसका खट्टापन चला जाए। अच्छे से वॉश कर लेंगे इसको। हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया, अब हम इसमें से अच्छी तरह से पानी निकाल लेंगे। अब हम इसे टैप पे बांध देंगे ताकि इसमें से अच्छे से पानी निकल जाए। जब तक हमारे छेने में से पानी निकल रहा है तब तक हमने एक खुले बर्तन में 1 कटोरी चीनी डाली है। अब हम इसमें 4 कटोरी पानी ऐड कर देंगे रसमलाई बनाने के लिए। रसमलाई बनाने के लिए आपको खुला बर्तन लेना होगा, क्योंकि इससे हमारी रसमलाई टूटेगी भी नहीं और एक दूसरे से टच भी नहीं करेगी। इसमें हमने 4 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अभी हमारी रसमलाई के लिए रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे पानी भी पूरा निकल चुका है, अब हम इसे अपनी रसमलाई बना लेते हैं। इसे आप अच्छे से मैश करेंगे। जितनी अच्छे से मैश होगी हमारी रसमलाई उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, इससे हमारी रसमलाई की बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी और हमारी रसमलाई टूटेगी भी नहीं। इसको हम हथेली के पिछले हिस्से से अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से।
हमारी रसमलाई के लिए डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारी रसमलाई के लिए चाशनी में भी अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम इस डो के छोटे छोटे गोले बना लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करें। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी गोले तैयार कर लेते हैं। अभी हमारे रसमलाई के लिए गोले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। हम एक एक करके इसमें डाल देते हैं। अभी हमारे गोले अपने आप ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा छेना बिल्कुल अच्छा बना है। 15 मिनट के लिए पकने देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। अब हम रसमलाई के गोलों को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और उसे 15-20 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे एक बार चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारी रसमलाई कितनी फूल चुकी है। अभी ये रसमलाई बन गई है। अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने रसमलाई को थोड़ी ठंडी करने के लिए आइस ले ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी चाशनी ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसे आइस वाले पानी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सारी चाशनी हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये रबड़ी हमने फ्रिज से निकाल ली है, ये पूरी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी रसमलाई ऐड कर देते हैं। ये रसमलाई भी एकदम ठंडी हो चुकी है। अब अपनी रसमलाई इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमने अपनी रसमलाई सारी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमारे पास ये पिस्ता है, हम इससे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।